अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ये हमारा खानका, ये हमारा मुकाम, और हम यहाँ से अभी निकलेंगे बोलीशा कलंदर के लिए। गाड़ी खड़ी है और फिर वहाँ से दिल्ली हम जाएंगे, वहाँ से क्योंकि शाम में अजमेर की ट्रेन है। सो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है डे 3 इन कलियर, और कल अल्हम्दुलिल्लाह उरूस हो चुका है, साबिर पाक का आज गुसल शरीफ है। बट हम लोग की आज शाम में ट्रेन है दिल्ली से, रात में अजमेर शरीफ के लिए। तो हम लोग ये जो कार खड़ी है अभी यहाँ से निकल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 8, तो हम लोग यहाँ से पहले पानीपत जाएंगे बोलीशा कलंदर, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे दिल्ली जहाँ पे मेहरौली शरीफ का उरूस है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद हम जाएंगे निसार से चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह जो है हुजूर, वो है ख्वाजा बंदे नवाज सरकार के पीर साहब। तो इंशाल्लाह आपको जो है वहाँ जाने के बाद वहाँ पे सबकी ज्यारत कराते हैं। माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा, सरकार साबिर पाक की ज्यारत बहुत अच्छे से हुई। शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्यारतें कराने के लिए। तुषार आपके लिए काफ़ी दुआओं में, मतलब दुआएं की गई है, अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, आपको कामयाबी अता करे, और जिसने दुआ की दरख्वास्त किया था सब तमाम भाइयों के लिए दुआ की गई है। इंशाल्लाह बाकी का सफ़र जो है वो आपको रास्ते में बताते हैं कैसा चलता है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, ये शमशुद्दीन तुक पानीपत का रोज़ा है, ये बाहर का है, और अभी आपको अंदर का दिखाते हैं। ये माशाल्लाह सरकार की बारगाह है, यहाँ से साबिरी सिलसिला चला क्योंकि साबिर पाक एक ही मुरीद थे। फिर हम इसके आगे ये बोलीशा कलंदर की दरगाह है, यही सेम गली में ऊपर, ये बोलीशा कलंदर का रोज़ा है, अब आपको ज़्यारत कराते हैं बोलीशा कलंदर की दरगाह की। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा रोज़ा है, सुभान अल्लाह मेरे सरकार बोलीशा कलंदर। फिर हम बोलीशा से निकल के फिर हाईवे पे हमने खाना खाया सोनीपत के पहले, बहुत ही टेस्टी खाना था। मैं होटल का फोटो डालता हूँ आपको आज। फिर यहाँ से निकल के हम गए डायरेक्ट तुषार के घर पे, चाचू लोग लखनऊ के लिए तरफ चले गए थे, टाइम कम था उनके पास तो आगे नहीं जा पाए, फिर हम तुषार के डैडी से मिलने गए। ये तुषार का था, तुषार के डैडी। अरे सरकार कह रही हालत क्या हो गई, बड़ा लेट हो गए। कुछ टाइम बैठ के फिर हम यहाँ से रिलैक्स करके निकल गए। चलो बाय अंकल। माशाल्लाह दिल्ली में आराम करके हम लोग तुषार के घर से निकले हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोग बोलीशा कलंदर से फिर कोई और दरगाह नहीं गए, बीच में उतर गए, चाचू लोग निकल गए, हमने फिर रिक्शा करके हम डायरेक्ट तुषार के घर पर गए। तो आराम करे बहुत अच्छा लगा, खाना वाना खा के अभी निकले हैं अलहमदिल्ला। तुषार के डैडी बेचारे छोड़ने आए थे, अभी बोला कि हाँ अनवर भाई बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज़िंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक किया जिया करते हैं। तो सर ये जनाब तुषार के डैडी के लिए शेर है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और तुषार मेरे भाई मैंने हर जगह तेरे लिए दुआ की है, इंशाल्लाह तो टेंशन ज़रा भी मत लेना कि वीडियो कॉल नहीं हो पाया कुछ भी, हर जगह मैंने दुआ किया है, तो इंशाल्लाह तेरे कोई भला कोई आफत टच नहीं कर सकती, तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, तरक्की करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकल फॉर बीइंग अ गुड होस्ट, थैंक यू सो मच शहजाद फॉर बीइंग अ गुड होस्ट एंड बीइंग अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। बहुत भाई तुमने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया हर जगह पर, तो बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी दिल्ली स्टेशन जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी यहाँ से अजमेर जाना है हमको, तो दिल्ली कैंट स्टेशन जा रहे हैं। बाकी लोग रुड़की से दिल्ली ट्रेन से आए थे, और हम जो है बाकी हम गाड़ी से आ गए थे, तो अभी 10:55 की ट्रेन है दिल्ली कैंट। ये दिल्ली की सड़कें माशाल्लाह, ये साइड में ना फुटपाथ पे ना केजरीवाल साहब ने अच्छा खासा वॉकर बना दिया लोगों को चलने के लिए, वॉक करने के लिए, जॉग करने के लिए, और
साइकिलिंग वगैरह करने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और ये हम आ गए दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, यहाँ से अजमेर की ट्रेन आएगी। और ये वाला स्टेशन ना नज़दीक भी तुषार के घर से। एक्चुअली अनवर भाई की तबीयत सही नहीं है, बुखार है उनको, बीमार हो गए बेचारे, अल्लाह उनको शिफा दे। तो इतने थके हुए थे ना यार, तो मैं कल रात में आते साथ ही सो गया। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, अजमेर स्टेशन पहुँचे हम लोग सुबह 5:40 पे, ये स्टेशन का है। बहुत शुक्रिया ये ब्लॉग देखने के लिए और आगे की अजमेर की जर्नी, फिर मुंबई की जर्नी देखने के लिए। प्लीज़ आप लोग बने रहो, ब्लॉग को देखो, जल्द से जल्द दूसरा एपिसोड आएगा।